ओसीडी से लड़ने के लिए 5R फॉर्मूला। नंबर 1, रीलेबल। अपने थॉट्स को ओसीडी का नाम दीजिए और ये पहचानिए कि ये थॉट्स मेरे नहीं हैं, ओसीडी की वजह से आ रहे हैं। दूसरा आर है रिमाइंड और रीएट्रीब्यूट। अपने आप को ये बताना कि जो थॉट्स हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं, चाहे कितना भी बुरा ख्याल मेरे मन में आ रहा है ये सच्चाई में बदलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ योर लाइफ। थर्ड आर इज रेबल, यानी कि जो आपको ओसीडी करने को कह रहा है वो तो आप बिल्कुल मत करिए, उसका अपोजिट करिए। अगर अपोजिट भी ना कर पाएं तो कम से कम उस रिचुअल को डिले करिए, पोस्टपोन करिए या कुछ और करिए उसकी जगह पे। उसके बाद आता है रीफोकस, यानी कि आप उस ओसीडी के स्पाइरल में अंदर जाने की बजाय आप अपने काम को वापस रिज्यूम करिए, रीफोकस करिए और वापस उस काम में लग जाइए। लास्ट आर इज रिवॉर्ड। जब भी आप अपनी ओसीडी के ऊपर काबू पा लें, जब भी उसको ना दोहराएं, जब भी आप ओसीडी की बात नहीं सुन रहे हैं, उस छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करिए, उसको लिखिए, उसको एक्नॉलेज करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू गेट ओवर योर ओसीडी। एंड रिमेंबर, ओसीडी इज नॉट बिगर देन यू।